सिंगल रोड है सिंगल। सो दूसरी जगह है चैल के पास, काली का टिब्बा, ये मंदिर है काली का, चैल का हाईएस्ट पॉइंट, सो ये भी विजिट करना चाहिए। आज है संडे और आज की राइड शुरू हो रही है पहाड़ों से। अभी हम हैं सिरमौर में और यहाँ से अभी हम निकलेंगे चैल के लिए, और आज फिर से अपनी सोलो राइड है और नज़ारे देख सकते हैं आप सामने सामने। सुबह सुबह के, सुबह तो क्या दोपहर हो गई है, 10:30 बज रहे हैं अभी। अभी अपन आज लेट हो गए निकलने के लिए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आपका स्वागत है अपनी एक और वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। सो यहाँ से निकलेंगे अभी हम चैल के लिए और चैल को आज एक्सप्लोर करेंगे। चैल के बाद अपने को शिमला में थोड़ा सा काम है, चैल से निकलेंगे सीधा कुफरी के लिए और कुफरी से होते हुए निकलेंगे शिमला के लिए, और उसके बाद देखेंगे आगे का प्लान क्या है, कैसे वर्कआउट करता है। अभी हमने स्टेट हाईवे छोड़ दिया है और अभी हम पहुंच गए नेशनल हाईवे पे, और ये रोड जाती है अपनी कुमारहट्टी के लिए। यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर है। हाईवे की एक 20 किलोमीटर की लंबी राइड के बाद अभी हम पहुंचे हैं कुमारहट्टी, और यहां से दो रास्ते जाते हैं, एक बरोक वैली होते हुए और एक हाईवे जाता है। तो आज हम लेंगे हाईवे, सॉरी बरोक वैली वाला रोड, उधर से चलते हैं। काफ़ी टाइम से मैं उस रोड से गया नहीं हूं, तो आज उधर से निकलते हैं बरोक वैली होते हुए। और ये है अपना कुमारहट्टी का शहर, और ये ऊपर आप फ्लाई ओवर देख रहे हैं मेरे। सो ये जाता है हाईवे शिमला के लिए। सो ये है अपना कुमारहट्टी। ब्रोक से 7-8 किलोमीटर न्यूट्रल आने के बाद, 4-5 लीटर तेल बचाने के बाद हम पहुंच गए हैं सोलन बाईपास, और हाईवे ये है चंडीगढ़ वाला, और अपने को जाना है सीधा यहाँ से। और अभी यहाँ पे ही कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे, और उसके बाद आज की स्लो राइड को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हम काफ़ी स्लो चले हुए हैं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आज की अपनी। तकरीबन हमने आज यहाँ पहुँचने के लिए 1.5 से 1.75 घंटे लगा दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है यहाँ के लिए। और तो अभी थोड़ा खींचेंगे बाइक को और चैल पहुँचते हैं जल्द से जल्द। यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं पहले, निकलते हैं आगे के लिए। सोलन से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के बाद अभी हम निकले थे आगे के लिए अपना कंडा घाट के लिए। 8 से 9 किलोमीटर की राइड करते हुए, हल्की फुल्की वादियाँ देखते हुए,
अभी हम पहुंच गए हैं कंडा घाट और ये यहाँ पे चला हुआ है अभी काम फ्लाईओवर का। जब फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो कंडा घाट बाईपास बन जाएगा। तो यहाँ से कंडा घाट से दो रास्ते जाते हैं, शिमला के लिए जाता है और एक जाता है चैल के लिए। तो आज की जो अपनी स्लो राइड अभी तक चल रही है उसके लिए अभी हम यहाँ से लेंगे राइट चैल के लिए सिंगल रोड। बट जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था चैल के लिए उस टाइम पे रोड बहुत बढ़िया थी, सिंगल रोड है लेकिन बढ़िया मेटलिंग हो रखी थी। आज तो पता नहीं कैसी है रोड, अब जाके ही लगेगा पता। सो ये रही कंडा घाट की मार्केट और यहाँ सीधे शिमला के लिए और अपने को जाना है यहाँ से राइट। और तो ऐसी रोड है ये सिंगल लेन और आगे ट्रैफिक तो नहीं होता यहाँ पे बट आगे जाके काफ़ी सुंदर हो जाती है। दो जगहें आती हैं इस रोड पे, एक है साधु पुल वो भी काफ़ी खूबसूरत सी जगह है और उसके बाद सीधा चैल। रुकने और खाने पीने के ऑप्शंस काफ़ी हैं इस रोड पे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन है, बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तब थी सर्दियाँ, सो उस टाइम ठंड काफ़ी थी। बट आज अप्रैल में यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है मौसम। ऐसे तो चैल अगर घूमने आना है तो सितंबर मानसून के टाइम पे आओ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बट अपने पास टाइम था इस संडे को तो हम तो आ गए इस संडे ही। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको प्लान करना चाहिए मानसून सीज़न में। तो 13 किलोमीटर की सिंगल रोड राइड करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है साधु पुल। रास्ते में हालांकि दिल्ली वाले नंबर काफ़ी मिले, उनमें से किसी एक ने मेरी सुपारी ले रखी थी आज मारने की, वो तो कृपा हो शिव जी की जो बच गए हम, नहीं तो आज तो काम हो ही गया था। बाकी ये है जगह साधु पुल, बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है चैल से 19 किलोमीटर पीछे और चंडीगढ़ से तकरीबन 90 और 100 किलोमीटर। सो एक दिन अगर आना है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और रहने और खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, होटल्स वगैरह बहुत हैं और कैंपिंग की फैसिलिटीज़ भी है, रिवर साइड कैंपिंग है। तो ये है अपना रिवर साइड कैंपिंग की जगह, स्विमिंग पूल बना रखा है, खाने के लिए जगह बना रखी है, बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने। साधु पुल से 19 किलोमीटर का ये सफ़र हमने तय कर लिया है चैल के लिए और अभी हम पहले जा रहे हैं काली का टिब्बा मंदिर, जो कि
थोड़ा पीछे पड़ता है रास्ता इसके लिए चहल मार्केट से। सो तो पहले सोचा कि इधर ही हो आते हैं, उसके बाद चहल मार्केट जाएंगे। सो देवदार के पेड़ों के बीचों बीच बने हुए इस रास्ते को हम चीर फाड़ करते हुए पहुँचे चहल, और काफ़ी खूबसूरत सा रास्ता था 19 किलोमीटर का, पता भी नहीं चला कब कट गया। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो ऑप्शंस काफ़ी कम थे, बट अब काफ़ी ऑप्शंस है रहने के, खाने के, पीने के और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के भी काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे खुल चुके हैं अब। बट पहले के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मोस्टली गाड़ी जो मिली यहाँ पे वो थी दिल्ली नंबर, और वही गलत चला रहे थे। सो सिंगल रोड है, रोड तो काफ़ी खूबसूरत है, बट ओके थोड़ी कंडीशन ख़राब है रोड की बीच में, और यहाँ पे थोड़ा ठीक है रोड। वो मेरे ख्याल से पीछे इसलिए रोड थोड़ा ख़राब था कि लास्ट ईयर के जो स्लाइड हैं अभी तक उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उसी की दिक्कत है कि अभी तक रोड ठीक नहीं हुआ है वो वाला। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिंगल लेन में भी कोई दिक्कत होती नहीं है अगर कोई गलत ना चला रहा हो गाड़ी तो। सो अभी मंदिर पहुँच गए, यहाँ पे पार्किंग वगैरह की जगह थी। सो ये है मंदिर का पार्किंग वगैरह। मंदिर जो है किसी किले से कम नहीं है, ये एक किले की तरह ही बना रखा है मंदिर। और ये सामने आप देख सकते हैं ये है मुख्य द्वार। सो ये है मंदिर का रास्ता, काफ़ी सुंदर जगह पे है मंदिर। तो अभी हम मंदिर पहुँच गए, ये है पीछे काली का टिब्बा मंदिर जो चहल से थोड़ा ही पीछे है, और चहल का हाईएस्ट पॉइंट है ये जहाँ तक मेरा ख्याल है। और ये पीछे है मंदिर, चहल से थोड़ा ही पीछे है जहाँ से पोस्ट चेक पोस्ट बनी हुई है चहल के लिए, उसके पीछे ही थोड़ा सा रास्ता जाता है 5 किलोमीटर है वहाँ से। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, एकदम शांति है। आज तो संडे है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो ये मंदिर है, मंदिर के अंदर तो वीडियोज़ वगैरह बनाई नहीं है कुछ, बट बाहर से ही जो है वो दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू आता है मंदिर के बाहर से, और ये है अपना पूरा मंदिर।